हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द क्रिकेट सॉल्यूशंस। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक नॉन यूके पासपोर्ट होल्डर, जिसके पास यूके का पासपोर्ट नहीं होता, जैसे इंडियन पासपोर्ट होगा, पाकिस्तान पासपोर्ट होगा, श्रीलंकन पासपोर्ट होगा, साउथ अफ्रीकन होगा, और अगर वो पर्टिकुलर प्लेयर के पास स्टूडेंट वीजा है तो वो इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट खेल सकता है या नहीं खेल सकता। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन बिफोर वी गो टू द एंड कि वो वेदर खेल सकता है कि नहीं खेल सकता, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंग्लैंड में जो क्रिकेट क्लब्स होते हैं उनके पास लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, राइट। तो लोकल प्लेयर का जो स्लॉट होता है एंड देन यू नो एक अमेच्योर प्लेयर का स्लॉट होता है या फिर टीयर फाइव प्लेयर का स्लॉट होता है। तो जैसे मानिए लोकल प्लेयर जो है वो लोकल प्लेयर के स्लॉट में वो आते हैं जिनके पास यूके का पासपोर्ट है। यूके यूके मतलब अगर वो आयरलैंड में रह रहे, स्कॉटलैंड में रह रहे, इंग्लैंड में रह रहे, वेल्स में रह रहे, तो वो एज ए लोकल प्लेयर क्वालिफाई होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आए कि लोकल प्लेयर कैटेगरी क्या होती है। अब रही दो कैटेगरी, जैसे अमेच्योर प्लेयर ओवरसीज वाला या फिर टीयर फाइव प्लेयर। तो जो स्टूडेंट जो अमेच्योर प्लेयर होता है उसने कभी भी अपना क्रिकेट जो है वो स्टेट क्रिकेट के लिए नहीं खेला रहना चाहिए लास्ट पिछले 4 साल से। और दूसरे कैटेगरी जो है ओवरसीज प्लेयर की, प्रोफेशनल प्लेयर की, उसके पास चाहिए 36 मंथ्स में उसके पास चाहिए 5 रणजी ट्रॉफी या 5 फर्स्ट क्लास गेम फॉर द टेस्ट प्लेइंग नेशन। तो ये तो दो कैटेगरी होते थे, दो में से कोई एक कैटेगरी क्लब सिलेक्ट करता है। तो अगर वो पर्टिकुलर प्लेयर जो है जिसके पास स्टूडेंट वीजा है और अगर वो इंग्लैंड में है और अगर वो अपने स्टेट के लिए 4 साल खेला नहीं है तो, और अगर उसका उतना बड़ा गैप हुआ है तो ही वो कैटेगरी में खेल सकता है। मतलब अगर मानो तो जो एक ओवरसीज प्लेयर की जो अमेच्योर कैटेगरी होती है उसी में ही वो प्लेयर खेल सकता है, नॉट इन द टीयर फाइव कैटेगरी या फिर लोकल कैटेगरी। और उसका जो पर्टिकुलर प्लेयर का जो प्रोफाइल है वो होम ऑफिस से क्लासिफाइड होना चाहिए, जहां पे होम ऑफिस कहेगा कि ये अमेच्योर कैटेगरी में क्वालिफाई होता है, हमने सब चेक कर लिया है, ये 4 साल से कहीं पे भी टॉप ग्रेड क्रिकेट जैसे T20 लीग्स हो गए या स्टेट क्रिकेट हो गया, जूनियर लेवल हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, वो नहीं खेला है। तो हाँ, तो बेसिकली मोटी मोटी बात, स्टूडेंट वीजा अगर कोई प्लेयर के पास है नॉन यूके पासपोर्ट होल्डर के पास तो वो खेल सकता है, सब्जेक्ट टू वो अमेच्योर प्लेयर करके क्वालिफाई होता है और अगर होम ऑफिस ने उसे क्लासिफाइड किया है तो। टीयर फाइव वाली जो कैटेगरी है उसमें वो स्लॉट में वो नहीं खेल सकता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक जाने के पहले एक बात जरूर कहूंगा कि अगर हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको क्रिकेटिंग कॉन्टेंट, बहुत जबरदस्त कॉन्टेंट आने वाले टाइम पे आपको मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।